सीआईडी को गृह मंत्री अनिल विज से लेकर दोबारा सीएम मनोहर लाल खट्टर को देने की तैयारी के बीच गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विज ने कहा कि ये जो भागम भाग चल रही है इसके पीछे मंशा कुछ और ही है। मैंने तो हमेशा कहा है कि सीएम सर्वे सर्वा है, वे जब चाहे जिस डिपार्टमेंट का विभाजन करना चाहे विभाजन कर सकते हैं और लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने कभी इस बात पर एतराज नहीं किया, इसमें कोई तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है। सीएम सर्वे सर्वा होता है, उन्हें सारे अधिकारियों को सीधे आदेश व जानकारी ले सकते हैं। गौरतलब है कि सीआईडी को गृह विभाग से अलग करने की तैयारी है। वैसे तो सीआईडी पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के समय से ही गृह विभाग से अलग रहा है, लेकिन कानून में बदलाव नहीं किया गया था। प्रदेश में गृह मंत्रालय आमतौर पर सीएम के पास ही रहा है। जब भी गृह मंत्री बनाए गए तो सीआईडी की रिपोर्ट सीएम के पास ही रही। सूत्रों के अनुसार अब सीएमओ से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी को कानून में बदलाव के ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, इसके बाद इस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, बाद में इसे विधानसभा में संशोधित विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान इस बिल के पास होने पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास ही रह सकता है। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर मंत्रियों के पोर्टफोलियो में सीआईडी विभाग सीएम खट्टर के पास दर्शाए जाने के बाद विवाद खड़ा हुआ था। सवाल यह था कि यह विभाग वास्तव में किसके पास है। इस मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि सरकार वेबसाइट से नहीं चलती, सरकार कानून के नियम से चलती है। सीआईडी गृह विभाग का हिस्सा है। विज ने यह भी कहा था कि सीएम सुप्रीम है, वे चाहे तो बदल सकते हैं, हालांकि बदलने के लिए कैबिनेट में पास करना पड़ेगा, इसके बाद विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही बदला जा सकता है। आप पहले देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह खास रिपोर्ट। मैंने तो हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं, वो जब चाहें जिस डिपार्टमेंट का विभाजन करना चाहें विभाजन कर सकते हैं, किसी विभाग को लेना चाहें उस विभाग को ले सकते हैं। मैंने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं किया और कोई तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जब सर्वे सर्वा होता है तो बिना किसी उसके भी सारे अधिकारियों को वो डायरेक्ट आदेश दे सकते हैं, सारे अधिकारियों से डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। ये जो इतनी भागम भाग हो रही है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मंशा और है। चंडीगढ़ से गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। दरअसल सीआईडी विवाद पर गृह मंत्री ने कहा है कि सीआईडी अभी भी गृह विभाग का हिस्सा है, इसे अलग करने के लिए अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आप भी देखिए क्या कहा गृह मंत्री अनिल विज ने। मेरी होम डिपार्टमेंट का इंटीग्रल पार्ट है और मुख्यमंत्री चाहें और जब चाहें इसको वो अपने पास ले सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने लिया नहीं है। इसके लिए एक हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो जो सिर्फ ड्रग्स के बारे में ही काम करेगा, क्योंकि रूटीन में अधिकारियों के पास और बहुत काम होते हैं तो ये चेंज नहीं हो पाता। वो हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो हम बनाने जा रहे हैं और जब तक वो नहीं बनता उसी में ही एक वर्टिकल ग्रुप हेडेड बाय कोई एसपी हम बनाने जा रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।